नमस्कार, जो स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। धर्मनगरी ब्यावर में श्याम जन्मोत्सव के मौके पर गुरुवार को विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा फतेहपुरिया चौपड़ स्थित श्याम मंदिर से प्रारंभ हुई। यहाँ से अग्रसेन बाजार, पाली बाजार, सराबकी मोहल्ला, डिग्गी मोहल्ला, भगत चौराहा, रॉयल टॉकीज, अजमेरी गेट से होते हुए पुनः मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में बाबा की सवारी के आगे महिलाएं हाथों में श्याम बाबा के ध्वज लेकर चल रही थी। शोभा यात्रा में सुमधुर बैंड की स्वर लहरियों के बीच जयकारे लगाते हुए श्याम प्रेमी झूम रहे थे। खाटू नरेश के जयकारों से शहर गुंजायमान हो गया। भक्तों ने अखंड ज्योत के दर्शन कर मनोकामना की। पुजारी विकास शर्मा व मनोज शर्मा ने विधिवत मंत्रोच्चारण के बीच बाबा का पंचामृत से अभिषेक किया। शोभा यात्रा का मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस मौके पर रॉयल टॉकीज के सामने स्थित लक्ष्मी मिष्ठान भंडार पर भी मुखिया शंकरलाल प्रजापति के सानिध्य में शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में आइसक्रीम वितरित की गई। इस दौरान बाबा की आरती कर इत्र गुलाब जल बरसाया गया। स्वागत के दौरान राधेश्याम प्रजापति, पुकराज प्रजापति, महेश प्रजापति, दीपक प्रजापति, अरुण प्रजापति, नटवर पाराशर, सन्नी शर्मा, राकेश नरुका, पिंटू बंसल सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। शोभा यात्रा में सुनील कौशिक, सुरेना कौशिक, हेमेंद्र कौशिक सहित अन्य श्याम भक्त शामिल थे। अज्ञात चोरों ने बुधवार दिन दहाड़े जालिया रोड स्थित द्वारकाधीश कॉलोनी के एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदातों को अंजाम देकर फरार हो गए। इस दौरान चोरों ने मकान में रखे सोने चांदी के आभूषणों के साथ साथ 50,000 रुपए की नकदी चुरा ले गए। बताया जा रहा है कि चोरी की वारदात के समय मकान मालिक रामकिशोर पुत्र रंजन रावत काम से घर से बाहर गया हुआ था, जबकि अध्यापिका मालकिन गायत्री देवी ड्यूटी पर राज्यावास गई हुई थी। चोरी की वारदात की जानकारी गायत्री देवी की बुधवार शाम को ड्यूटी से वापस घर पहुंचने के बाद मिली। गायत्री देवी की शिकायत पर सिटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना करते हुए अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू की। पीड़िता गायत्री देवी ने बताया कि वह द्वारकाधीश कॉलोनी निवासी चंद्र सिंह के मकान में किराए पर रहती है। बुधवार को उसके पति माइंस पर काम करने गए थे और वह ड्यूटी पर राज्यावास गई हुई थी। पीछे से अज्ञात चोरों ने मकान के ताले तोड़कर भीतर प्रवेश किया और कमरे में रखी 250 ग्राम वजनी चांदी की पायल, 100 ग्राम वजनी सोने का मंगलसूत्र तथा आधा तोला वजनी सोने की कान की झुमकी चुरा ले गए। साथ ही घर में रखी 50,000 रुपए की नकदी तथा 10 चांदी के सिक्के भी चुरा ले गए। कल मैं बाहर गई हुई थी, स्कूल गई हुई थी। स्कूल से जब आके लौट के देखा तो ताला तोड़ रखा था और लोग चोरों ने पता नहीं किधर आके और अलमारी का ताला, सारा सामान बिखेर दिया इधर और सारे ये फर्नीचर वगैरह सारे बिखेर करके सोने चांदी के आइटम और वो सारे ले गए और सारे क्या कहते हैं ना वो ये फाइल वगैरह सारे बिखेर दिए और सामान ताला और ये फर्नीचर वगैरह सूटकेस ब्रीफ केस सारा कुछ बैड में सारा और वो थोड़े और आइटम थे कैश रखा हुआ था और वो भी ले गए। करी ना पुलिस आई थी और सारा वो देखा और जांच भी छानबीन कर रही चल रही है अभी देखो। लेकिन या तो नुकसान कर गए हमारे सारे लॉकर वगैरह सारे तोड़ दिए उन्होंने और अब क्या रहेगा अभी अभी देखो अभी दिन दहाड़ी रात की तो वो छोड़ो बात दिन दहाड़ी चोरी हो रही है। मैरिज गार्डन एसोसिएशन ब्यावर के पदाधिकारियों ने गुरुवार को नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कोरोना काल के संकट को लेकर मैरिज गार्डन संचालकों की स्थिति से अवगत कराते हुए एक वर्ष का पंजीयन शुल्क माफ करने तथा जयपुर की तरह ब्यावर में भी पंजीयन शुल्क लेने की मांग की। इस दौरान पदाधिकारियों की ओर से आयुक्त को दिए गए मांग पत्र में बताया गया कि ब्यावर मैरिज गार्डन एसोसिएशन के कुछ सदस्यों द्वारा वर्ष 2020-21 का विवाह समारोह स्थल का अग्रिम शुल्क कोरोना महामारी के चलते नहीं जमा करवाया गया और नगर परिषद अग्रिम शुल्क बिना पेनल्टी के जमा करने को तैयार है। पदाधिकारियों ने बताया कि संदर्भ में 27 दिसंबर को एसोसिएशन की एक आवश्यक बैठक आहूत की गई जिसमें उपस्थित सदस्यों ने 23 मार्च से देश भर में लागू हुए लॉकडाउन की चर्चा करते हुए बताया कि कोरोना महामारी के बाद लागू हुए लॉकडाउन के बाद मांगलिक कार्यों पर रोक लग गई और मैरिज गार्डन संचालकों को पूर्व में बुक की गई बुकिंगों की राशि भी लौटानी पड़ी। मैरिज गार्डन संचालकों ने आयुक्त से मुलाकात के दौरान बताया कि कोरोना काल के दौरान मैरिज गार्डन संचालकों ने प्रशासन का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और क्वारंटीन सेंटरों के रूप में मैरिज गार्डनों की सेवाएं दी। इसके बदले में सरकार की ओर से अभी तक किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है। अतः एसोसिएशन पदाधिकारियों की मांग है कि नगर परिषद प्रशासन से एक वर्ष का पंजीयन शुल्क, फायर एनओसी तथा भूमि भवन कर माफ करने की मांग की है। आयुक्त से मुलाकात करने वालों में जयप्रकाश बजाज, कैलाश गहलोत, मनीष रांका, अविनाश गर्ग, मोहनलाल दग्दी, कालूराम गहलोत, राज साहू, महेंद्र कोठारी, अनिल आर्य, मयंक गौर तथा नरेश मदानी आदि शामिल थे। पूर्व में गृह पंजी का अंतरण
ऑफलाइन किया जाता था, परंतु हाल ही में इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत कारण आमजन को अतिरिक्त शुल्क का भार भी वहन करना पड़ रहा है, साथ ही इस प्रक्रिया में काम में भी देरी से हो रहा है। पार्षदों ने आमजन की परेशानियों को देखते हुए आयुक्त से गृह पंजी का अंतरण को पूर्व की भांति ऑफलाइन करने की मांग की है, साथ ही सार्वजनिक आपत्ति को संयुक्त स्तर पर करने के बजाय आवेदक के स्तर पर ही अमल में लाने की मांग की है। आयुक्त को ज्ञापन देने वालों में पार्षद जयसिंह करिवार, अनिल चौधरी, माया शंकर यादव, मंगल सिंह मोनू, गोपाल सिंह रावत, कुलदीप भौरा, शांति देवी, सुनीता भाटी, वीरेंद्र सिंह राठौर, हंसराज शर्मा तथा बबलू चौहान सहित अन्य पार्षद शामिल थे। ब्यावर मैरिज गार्डन एसोसिएशन के सारे सदस्य आज ब्यावर नगर परिषद कमिश्नर साहब से मिले हैं, इसलिए मिले हैं कि आज हमें एक साल से कोरोना काल के चक्कर में हमारे मैरिज गार्डन सारे बंद पड़े हैं। बंद पड़ने के अलावा क्वारंटाइन के समय हमारे मैरिज गार्डन को यूज में लिया गया, लेकिन हमें राज्य सरकार द्वारा किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई। उसके अलावा हमारे पास नगर परिषद का नोटिस इस साल के पंजीयन व अन्य शुल्क के लिए आया। हम ये चाहते हैं नगर परिषद ब्यावर से कि एक साल का जो कोरोना काल है उसका पंजीयन शुल्क व दूसरे शुल्क माफ़ किए जाएं, जिससे मैरिज गार्डन को राहत मिल जाए। आज मैरिज गार्डन एसोसिएशन ने कोरोना काल में नगर परिषद व ब्यावर वे अन्य पूरे राजस्थान में सबका सहयोग किया है। क्वारंटाइन के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। मैरिज गार्डन ने अपना गार्डन खाली करके दिया है, जिसके बिल आज भी एसडीएम साहब के वहाँ प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन वो बिल को भी हमारे पास कोई नहीं किया गया है, जबकि उस मैरिज गार्डन में काफ़ी गार्डनों में नुकसान हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन क्षतिपूर्ति नहीं हुई है। वो क्षतिपूर्ति के अलावा कई मैरिज गार्डन हमारे ऐसे हैं जो भाई लोग कैपेबल नहीं है, जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा है, उन्होंने किस्तें भराई है और भराई है। आज उन सभी भाइयों की क्या स्थिति हो रही है, क्या नहीं हो रही है, वो हम जानते हैं। तो हम कमिश्नर साहब से ये भी अर्ज कर रहे हैं कि ये राज्य सरकार को प्रेरित करें कि यहाँ जो डिसीजन हुआ वहाँ से राय ली जाए, जिससे हम वहाँ भी जाएं तो कम से कम ये तो मालूम पड़ेगा ब्यावर नगर परिषद ने वहाँ कोई कार्रवाई की। प्रदेश भर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा दुर्घटनाओं के कारणों को जानने के लिए राज्य सरकार की ओर से नीति निर्धारण व कार्य योजना के निर्धारण की ऑनलाइन रजिस्ट्री कर उनका विश्लेषण करने की योजना तैयार की गई है। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीलेंट डाटाबेस के नाम से शुरू की गई इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेश भर में परिवहन कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है और प्रदेश भर में इसे 15 मार्च से शुरू कर दिया गया है। इस हेतु राज्य सरकार की ओर से जिले के प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को नोडल प्रभारी नियुक्त किया है। शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त स्टेट नोडल ऑफिसर रवि जैन की ओर से जारी निर्देशों में ब्यावर डीटीओ प्रकाश टहलियानी को भी क्षेत्र का नोडल प्रभारी नियुक्त करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। डीटीओ टहलियानी ने बताया कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीलेंट डाटाबेस के तहत परिवहन कार्यालय परिवहन क्षेत्र के थाना क्षेत्रों में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एक एनालिसिस तैयार कर उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस एप्लीकेशन में अपलोड किए जाएंगे, ताकि एनालिसिस के आधार पर संबंधित क्षेत्र में घटित होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने तथा दुर्घटनाओं के कारणों को खत्म करने का प्रयास सरकार की ओर से किए जाएंगे। डीटीओ टहलियानी ने बताया कि सरकार की मंशा है कि सड़क दुर्घटनाओं को लेकर उनका विश्लेषण वैज्ञानिक तरीके से हो, ताकि कारणों को समय रहते दूर किया जा सके। एक माह पहले जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस बनाया गया है। यह एक इंटीग्रेटेड अलग से साइट है, जिसमें कि पूरे भारतवर्ष के एक्सीडेंट्स की रिपोर्टिंग स्टेट वाइज और जिले वाइज होगी। इसमें राजस्थान में अभी ये शुरू किया गया है। राजस्थान में सभी जो हैं पुलिस थानों में और क्या बोलते हैं जितने भी हमारे मोटर इंस्पेक्टर हैं उनको एक आईडी दी गई है, जिससे कि वो लॉगिन करके उनके पास एक मेल आएगा। अगर कोई एक्सीडेंट होता है, मान लीजिए हमारे किसी एरिया में होता है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए सदर थाना क्षेत्र में कोई एक्सीडेंट होता है, तो सदर थाना क्षेत्र के जो CI हैं वो चूँकि वो मौके पर जाते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वो अपने मेल आईडी से हमारे इंस्पेक्टर जो हमारे यहाँ उनके मेल आईडी पे एक मैसेज आएगा या फ़ोन पर कॉल करेंगे और उनको देंगे कि भाई ये आप इसमें एनालाइज करें कि भाई ये एक्सीडेंट किस वजह से हुआ, रोड इंजीनियरिंग की वजह से हुआ, हाई स्पीड से हुआ, और क्या चीज़ जो है इस जिसको हम करके एक्सीडेंट को दुर्घटना को रोक सकते थे।
सिटी थाना पुलिस ने जरिए मुखबिर की सूचना पर मिल रोड क्षेत्र में दबिश देख कर एक युवक को पिस्टल एवं 2 मैगजीन एवं 4 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। उसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जिसे रिमांड पर लिया गया है। सिटी थाना अधिकारी संजय शर्मा के अनुसार 22 मार्च की रात पुलिस को सूचना मिली थी कि मेल रोड आर की कॉलोनी क्षेत्र में काफी समय से एक संदिग्ध युवक घूम रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने मई टीम मौके पर पहुंच कर दबिश दी एवं युवक को धर दबोचता। पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम सरवरे आलम उर्फ शाहरुख पुत्र मराजुद्दीन निवासी अटसेनी थाना गुड़ मुक्तेश्वर हापुड़ यूपी होना बताया गया। पुलिस ने उसे थाने लाकर तलाशी की तो उसके कब्जे से 1 पिस्टल 2 मैगजीन एवं 4 जिंदा कारतूस मिले, जिसे पुलिस ने जब्त कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। थानाधिकारी शर्मा के मुताबिक आरोपी युवक शाति प्रवृत्ति का है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि वैशाली नगर थाना जयपुर में लूट एवं डकैती के प्रयास में वांछित है। इसके साथ ही पुलिस थाना लौनी यूपी में लूट की वारदात में लिप्त बताए गए हैं। खास बात यह भी है कि गिरफ्तार आरोपी एवं उसके साथियों की ओर से लूटी गई एक स्कॉर्पियो कार जो पिछले दिनों सिटी थाना क्षेत्र में ही एक सुनसान जगह खड़ी मिली थी, जिसे पुलिस ने पूर्व में ही जब्त कर लिया है। माना जा रहा है कि उक्त युवक से और भी कई वारदातें खुलने की संभावना है। शहर में मिर्ची चोड़ा युवा समिति की ओर से बुधवार शाम को फाग उत्सव का आयोजन किया गया। शहर के विनोद नगर जवाहर भवन के पास स्थित न्यू वृंदावन गार्डन में आयोजित फाग उत्सव के दौरान केशुदामा भजन मंडल के भागचंद्र चौहान अन्य कलाकारों की ओर से एक से बढ़कर एक भजन व गीतों की प्रस्तुतियां दी। फाग उत्सव के दौरान उपस्थित श्रोताओं ने फाग गीतों पर झूमते हुए एक दूसरे के साथ फूलों से होली खेली। फाग उत्सव के दौरान सुगन चंद साहू, बाबूलाल साहू, पार्षद राकेश साहू, आरसी साहू, भैरूलाल साहू, सुनील चौधरी तथा शिवप्रकाश साहू आदि कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाओं को अंजाम दिया। नगर परिषद के पार्षदों ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन देकर नगर परिषद की गृह पंजिका को ऑफलाइन करने की मांग की है। नगर परिषद आयुक्त जब्बर सिंह को दिए गए ज्ञापन में पार्षदों ने बताया कि पूर्व में गृह पंजिका अंतरण ऑफलाइन किया जाता था, परंतु हाल ही में इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत कारण आमजन को अतिरिक्त शुल्क का भार भी वहन करना पड़ रहा है, साथ ही इस प्रक्रिया में काम में भी देरी से होता है। पार्षदों ने आमजन की परेशानियों को देखते हुए आयुक्त से गृह पंजिका अंतरण को पूर्व की भांति ऑफलाइन करने की मांग की है। साथ ही सार्वजनिक आपत्ति को संयुक्त स्तर पर करने के बजाय आवेदक के स्तर पर ही अमल में लाने की मांग की है। आयुक्त को ज्ञापन देने वालों में पार्षद जयसिंह करीवाल, अनिल चौधरी, माया शंकर यादव, मंगल सिंह मोनू, गोपाल सिंह रावत, कुलदीप बोहरा, शांति देवी, सुनीता भाटी, वीरेंद्र सिंह राठौड़, हंसराज शर्मा तथा बबलू चौहान सहित अन्य पार्षद शामिल थे। उससे यानी जो ऑफलाइन थी जिसे ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे क्या है कि आमजनों का भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वित्तीय भार भी काफ़ी अतिरिक्त शुल्क भी उनका लग रहा है और नगर परिषद में काफ़ी देरी हो रही है, जिससे आमजन को राहत मिल सके, इसलिए हम सभी भाजपा पार्षदों ने आज यहाँ एकत्रित होकर मोहिंदर जी फुलवारी हमारे अतिरिक्त प्रशासन अधिकारी को ज्ञापन देकर अवगत कराया है और ये निवेदन किया है कि जल्दी इसको ऑफलाइन किया जाए, जिससे कि आमजन को राहत मिल सके। जवाचा थाना अंतर्गत ग्राम नाइयों के पुलिया कैसरपुरा के पास गुरुवार को एक ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाकर एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण बाइक सवार सुरडिया जवाचा निवासी राजेंद्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह रावत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चतरपुरा बंदोर निवासी महावीर सिंह पुत्र संपत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी मिली है कि मृतक राजेंद्र रिश्ते में महावीर का साला लगता है। दोनों गुरुवार को एक बाइक पर सवार होकर सुरडिया से ब्यावर की ओर आ रहे थे। घटना की जानकारी के बाद जवाचा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को उपचार के लिए केस पहुंचाया, जहां से उसे गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया। साथ ही पुलिस ने मृतक राजेंद्र सिंह का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एडीजे प्रथम बीडी व्यास ने गुरुवार को पत्नी को केरोसिन डालकर जिंदा जलाने के आरोपी को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में दहेज प्रताड़ना तथा हत्या प्रकरण में अलग अलग सजा तथा जुर्माने से दंडित किया है। वरिष्ठ सहायक एडीजे प्रथम सुमन कंवर ने बताया कि 1 जून 2016 को इंदिरानगर मसूदा रोड निवासी धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी सुमित्रा को अपनी 3 मासूम पुत्रियों के सामने केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। इस संदर्भ में सिटी थाना पुलिस में दर्ज प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाह तथा 15 दस्तावेज पेश किए गए। इस दौरान मृतका की पुत्री ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पिता के खिलाफ गवाही दी। अभियोजन पक्ष के गवाहों, दस्तावेजों तथा बेटी की गवाही को ध्यान में रखते हुए एडीजे प्रथम ने गुरुवार को प्रकरण का निस्तारण करते हुए आरोपी धर्मेंद्र को धारा 498 में 3 साल की कारावास तथा 10,000 रुपए के अर्थदंड तथा धारा 302 में आजीवन कारावास तथा 5,000 रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
2016 की सुबह इंदिरा कॉलोनी मसूद रोड ब्यावर में आरोपी धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी सुमित्रा को अपनी 3 मासूम बच्चियों के सामने केरोसिन डालकर जला दिया और अपनी बिलकती हुई बच्चियों के सामने वह तब तक खड़ा रहा जब तक उसकी पत्नी पूरी तरह से जल नहीं गई। पूरी जलने के बाद वह दरवाज़ा बाहर से ताला लगाकर भाग गया, जिसकी गवाही उसकी बेटी ने स्वयं न्यायालय में पेश होकर दी। अभियोजन की ओर से 19 गवाह और 15 दस्तावेज पेश किए गए। न्यायालय ने अपने निर्णय में आरोपी धर्मेंद्र को धारा 302/498 के तहत दोषी माना गया, जिसमें आजीवन कारावास सुनाया गया और 10,000 रुपये से अर्थदंड की व 498 में 3 साल की सजा और 5,000 जुर्माने से दंडित किया गया। भारतीय श्री सीमेंट कर्मचारी संघ ने सर्व पंथ समादर दिवस पर गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान को याद किया एवं उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। संघ महामंत्री शंकर सिंह रावत ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ के 6ठे उत्सव में एक सर्व पंथ समादर दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया तथा सभी धर्म पंथ संप्रदाय को मानने वाले सभी लोग एक मंच पर आकर देश हित, उद्योग हित और मजदूर हितों की रक्षा करने हेतु कार्य करते रहे, इसके लिए लोगों को प्रेरित करने का आह्वान किया। गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मनोहर सिंह रावत ने की। कार्यक्रम में बैठक में भंवरू काठात, छगन दान, नीरू काठात, अशरफ काठात, भगवान सिंह, अशोक गोयल तथा पप्पू सिंह आदि ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में सुरजाराम रोशन काठात, लक्ष्मण सोलंकी, मंगला काठात, जितेंद्र सिंह, पुखराज सिंह, भंवर सिंह लोडर, कैलाश सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, दिलीप सिंह, इकबाल, नवीन कुमार, महेंद्र सिंह, उगम सिंह, सलीम काठात, बुद्धाराम रणजीत, हरीश नायक, हकीम खान, जीवन सिंह, रमेश नवाब खान तथा रसूल काठात सहित अन्य पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता शामिल थे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर नगर परिषद प्रशासन की ओर से बुधवार से शुरू हुआ अभियान गुरुवार को भी जारी रहा। गुरुवार को भी नगर परिषद की टीम ने आयुक्त छब्बर सिंह के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में कार्यवाही की। किराए शाखा प्रभारी रतन सिंह पंवार तथा स्वास्थ्य निरीक्षक हरिराम लखन के नेतृत्व में की गई कार्यवाही के दौरान बिना मास्क वालों के चालान काटते हुए जुर्माना राशि वसूली गई। इस दौरान टीम के सदस्यों ने बिना मास्क लगाए दुकानों पर सामान बेचने वाले दुकानदारों तथा बिना मास्क लगाए सामान खरीद करने वाले ग्राहकों के भी चालान काटे। साथ ही आमजन को सोशल डिस्टेंसिंग रखने तथा संक्रमण से बचाव के लिए अनिवार्य रूप से मास्क लगाने की समझाइश की। इस दौरान टीम के सदस्यों ने बिना मास्क लगाए दुकान पर बिक्री करने वाले 4 दुकानदारों के खिलाफ चालान बनाते हुए 2,000 रुपए की जुर्माना राशि वसूली। टीम में जमादार शिवराज चांवरिया, रवि सांगेला, सहायक अजय जावा, अमित चांवरिया तथा युधिष्ठिर आदि शामिल थे। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से गुरुवार को प्रदेश भर में एक अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत राजस्थान पुलिस की ओर से बिना मास्क वालों के खिलाफ चालान काटे जाकर जुर्माना राशि वसूली जा रही है। साथ ही आमजन को संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के साथ साथ कोरोना गाइडलाइन की पालना हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को सिटी थाना पुलिस की ओर से स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा सर्किल पर बिना मास्क वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने बिना मास्क लगाए वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान बनाते हुए जुर्माना राशि वसूली। इस दौरान पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्यवाही की। अमल की फाल्गुनी एकादशी के मौके पर शहर के सूरजपुल गेट बाहर स्थित बाकी बिहारी मंदिर में फागोत्सव का आयोजन किया गया। गुरुवार दोपहर बाद मंदिर परिसर में आयोजित फागोत्सव के दौरान श्री हरिनाम संकीर्तन एवं गोपी मंडल की ओर से फाग गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान मंदिर परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया। श्री लाला जगन्नाथ ट्रस्ट के मानक डाणी के अनुसार फागोत्सव के दौरान गर्भगृह में सुंदर फूलों की झांकी सजाई गई, साथ ही फूलों की सुंदर रंगोली भी सजाई गई। इस दौरान श्याम बाबा का जन्मोत्सव भी मनाया गया। श्रद्धालुओं ने सुंदर नृत्य के साथ बरसाने की लठमार होली खेली। विजय तंवर तथा सुगना तंवर की गणेश वंदना बरसाने रंग गणपति आओ के साथ शुरू हुए। फागोत्सव के दौरान होली खेला श्री बजरंग बली, सुगना तंवर ने कान्हा पिचकारी, मतमार मेरी सास लड़ेगी, रंग बरसे गुलाल, आजा लग जा गले, नंदलाल आज होली है, सुरेश शर्मा ने नैना नीचा कर ले, शाम से मिलावेगी काई, खेले वृंदावन धाम राधा संग शाम, दिनेश जैन ने अब खेले भाग चलो रंगीलो आयो फागणियों आदि फाग गीतों की प्रस्तुतियां देकर वातावरण को फागमय कर दिया। इस दौरान उपस्थित श्रोताओं ने बाकी बिहारी के दरबार में जमकर नृत्य करते हुए फूलों संग होली खेली। फागोत्सव के दौरान रमेश भराड़िया, राजेश झंवर, हरीश मुंडा, ओम प्रकाश, तरुण कुमार, सुनील कुमार जेतलिया, कमल सिंघल, गोवर्धन कुमार, मोहित सोनी सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे।
राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मदर चाइल्ड विंग में रात्रि के समय बंद रहने वाली लाइटों के कारण रात को हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता है, जिसके कारण रोगियों व परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि सीढ़ियों की लाइटें बंद रहने के कारण लोगों के फिसलने तथा गिरने का खतरा भी सताता रहता है। वार्ड पहुंचने के लिए रोगी तथा परिजनों के गैलरी से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन गैलरी की लाइटें बंद होने के कारण लोगों को मोबाइल के टॉर्च चलाकर चलना पड़ता है। रोगी परिजनों ने बताया कि रात के समय घूप अंधेरा होने के कारण रोगी तथा परिजनों के यहाँ से गुजरने के दौरान फिसलने तथा गिरने का डर सताता रहता है। उन्होंने बताया कि गैलरी तथा ओडी के सामने की लाइटें बंद रहने के कारण आने जाने वालों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोगी परिजनों के अनुसार यहाँ से रात के समय में चिकित्सक तथा अन्य कार्मिक भी गुजरते हैं, लेकिन उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता है। संदर्भ में जब MCH भाई डॉक्टर विद्या सक्सेना से बातचीत की गई तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि कई दिनों से रात के समय जलने वाली लाइटें बंद पड़ी है। उन्होंने बताया कि संदर्भ में पूर्व में भी PMO को लिखा जा चुका है। डॉक्टर सक्सेना ने बताया कि दोनों ही विंग में एक ही इलेक्ट्रिशियन के होने के कारण थोड़ी देरी हो रही है। पुनः PMO को अवगत कराया जाएगा तथा शीघ्र ही बंद लाइटों को चालू करवाया जाएगा, ताकि रोगियों व परिजनों को होने वाली परेशानियों से निजात मिल सके। यहाँ से मामरतकोट से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली हमारी डिलीवरी होगी 21 तारीख को हुई थी, तो यहाँ की अभी पेशेंट डॉक्टर के बाहर ही खड़े, यहाँ पे लाइटें भी नहीं है और यहाँ पे देखो अंधेरा है तो गिरने करने का डर रहता है, और बाथरूम में भी लाइट नहीं है, यहाँ पे भी गिरने पानी भरा हुआ है और पाँव फिसलने का हादसा होने का डर रहता है। तो ये प्रशासन की यहाँ पे गैर जिम्मेदार जो हरकत है इसको आप सुधारिए, और काफ़ी अंधेरा, पंखे भी बंद है, लाइटें भी बंद है। तो मैं यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इसको थोड़ा प्रशासन ध्यान दे इसको। सर दो दिन से यहाँ पे हॉस्पिटल में लाइट बंद है, जो कि बिहार में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है अमृतकोट हॉस्पिटल। मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई थी तो मैं दो दिन से यहाँ चक्कर काट रहा हूँ। शाम की टाइम में कहने का मतलब गिरने का, सीढ़ी पड़ने का डर है, और सीढ़ियों में तक लाइट नहीं है कहने का मतलब, और काफ़ी दिक्कत हो रही है, और वार्ड में आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और सारी लाइटें बंद है। आप देख सकते हो सीढ़ियों के अंदर, इधर गैलरी के अंदर, OT रूम के पास में, सब जगह लाइट बंद है। इधर ऊपर की लाइट देखो, पीछे से, आगे से, इधर OT वार्ड के अंदर, लेबर रूम की तरफ, सारी तरफ लाइटें बंद है। शिकायत मिली कि MCH विंग में कई गैलरीज जो है यहाँ पे काफी लाइटें बंद हैं, बल्ब फ्यूज हो गए हैं। मैं भी जब भी दो एक बार रंग पे आई तो यहाँ पे लाइट बंद रहती है, और ये बाहर भी जो है मेन गेट से, इमरजेंसी गेट से PMO मेन बिल्डिंग तक जाने में भी रास्ते में भी काफी अंधेरा रहता है। जब MRS की मीटिंग हुई थी तब मैंने ये डिमांड भी की थी कि यहाँ पे बीच में एक अच्छी सी कोई हेलोजन लाइट लग जाए तो उचित रहेगा, और इस रिंग की लाइट के लिए समय समय पे PMO को मौखिक रूप से बताया जा चुका है, किंतु जो है खरीदारी बल्ब की और इस सब की जो है PMO स्तर से ही होनी है, इसलिए मैंने आज मैं पुनः लिख के देने वाली हूँ। तो गर्मी आने वाली है, इससे पूर्व हम चाहते हैं समस्त पंखे और बिजली का काम हो जाए, ठीक है। अगर ये ठेके पे दिया जाता है तो फिर हम उसके थ्रू कराएंगे काम। फिलहाल जो इलेक्ट्रिशियन है वो दोनों विंग में एक ही है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत रहती है। हम प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी ये लाइटें ठीक हो जाए, हमारी बिल्डिंग जगमग हो जाए। स्ट्रीट फाउंडेशन ट्रस्ट असेसमेंट लिमिटेड राज समाज सेवा कार्यक्रम के तहत आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। इस क्रम में ट्रस्ट की ओर से चलाई जा रही बालिका विवाह योजना के तहत ग्राम पंचायत रास निवासी BPL परिवार की बालिका अफसाना पुत्री मोहम्मद शादी के विवाह में कंपनी की ओर से 25,000 रुपये की बुनियादी आवश्यक वस्तुओं का सहयोग दिया। गुरुवार को गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान श्री सीमेंट से उप महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल अभय प्रकाश शर्मा, सहायक प्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन रोहित कुमार शर्मा एवं इंटेक यूनियन अध्यक्ष बरकत अली ने दुल्हन एवं दुल्हे के कपड़े, सिलाई मशीन, पलंग, लोहे का बक्सा से बिस्तर सेट, स्टोव, कुकर एवं स्टेनलेस स्टील बर्तन सेट आदि भेंट किए। इस दौरान अभय प्रकाश शर्मा ने श्री फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा सामाजिक विकास हेतु चल रही विभिन्न परियोजनाओं के बारे में बताया तथा ग्रामीणों से उक्त योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बरकत अली ने श्री फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा विभिन्न क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की एवं कंपनी अधिकारियों का आभार जताया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार। शहर में शान से निकली शाम प्रभु की शोभा यात्रा खाटू नरेश के जयकारों से गूंजी गलियां।
दिल्ली पुलिस के हत्या चढ़ा यूपी का शातिर बदमाश, कब्जे से एक पिस्टल, दो मैगजीन एवं चार जिंदा कारतूस किए जब्त। मैरिज गार्डन एसोसिएशन ब्यावर में की नगर परिषद आयुक्त से मुलाकात, एक वर्ष का पंजीयन शुल्क माफ करने हेतु की मांग। और नगर परिषद में गृह पंजिका को ऑफलाइन करने की मांग, नगर परिषद पार्षदों ने दिया परिषद आयुक्त को ज्ञापन।